हाँ तो साथियों, आज दृष्टि विहार के दिलीप कुमार सिक्की आर्टिस्ट के साथ आप सबका सिक्की कला में स्वागत है। तो आइए साथियों, मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि किस तरह से हम सिक्की को पेस्ट करते हैं पेपर पे, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस सिक्की को हम कटिंग कैसे करेंगे। तो आइए, इस कटिंग के लिए मैं जो जो सामान का उपयोग कर रहा हूँ वो आपको दिखाना चाहूँगा। वो है, आप देख सकते हैं, ये 12x8 इंच का एक ब्लैक चार्ट पेपर है, और ये जो कल मैंने पेस्ट किया था गणेश जी का स्केच, अब ये देख लीजिए, इस तरह से बिल्कुल बढ़िया तरह से सूख चुका है और ये हमारा कटिंग के लिए तैयार है। और ये हमारा ब्लेड है, और ये हमारा एक चिमटा है जिसको हम इसको पकड़ने में यूज़ करते हैं, और हमारा ये है आपका ब्लेड, इसके अंदर देख रहे हैं ब्लेड जो लगा हुआ है, और ये हमारा देख सकते हैं ये है हैंडल जिससे शार्प कटिंग होता है, और ये हमारा है कैची जो हम पिछले क्लास में बताए थे, और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। आप देख सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में भी हमारे कई इंस्ट्रूमेंट्स उपस्थित हैं, देख सकते हैं साथियों। और उसके बाद हमारा ये है फेविकॉल जो इसका उपयोग आज हम करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं दृष्टि विहार का दिलीप कुमार, नेहरू युवा केंद्र भागलपुर का एक NYB दिलीप कुमार, जो आप लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने हुनर में जो आप माहिर हैं उसी हुनर के मास्टर बन जाइए, और अपने आर्थिक स्थिति को सबल करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए, ताकि हम युवाएं जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो युवाओं को स्वरोजगार के ओर उन्मुख करने हेतु एक जागरूकता अभियान के तहत दृष्टि विहार की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारा कैंची है, कैंची से देखिए किस तरह से हम इसको हम पेपर को कटिंग कर देते हैं। ये हमने इसको चारों तरफ से ये कटिंग कर दिया। ये साथियों पेपर जो हमारा वेस्ट था बाहर का, अब इसको कटिंग करके हमने हटा दिया, ये हटा दिया साथियों। अब ये बचा, ये साथियों हमारा जो स्ट्रॉ पेपर है, स्टिक पेपर है, इसको अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक ये हैंडल लिए, अब हैंडल में हम ब्लेड लगाने जा रहे हैं साथियों। ब्लेड देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारा ब्लेड है, ये हमारा ब्लेड है। अब इस ब्लेड को हम लगाएंगे तभी हम इसको कटिंग कर पाएंगे सही तरीके से। जा रहा हूँ, अब देखिए साथियों, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हो जाइए, ताकि स्वरोजगार ही देश को एक अच्छा आयाम दे सकता है। इस COVID-19 जैसे स्थिति में आज हम घर में रह करके सिक्की आर्ट की शिक्षा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इसमें हमारे दृष्टि विहार के दिलीप सिंह भी और नेहरू युवा केंद्र के पूरे देश भर में युवा सहयोग दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कटिंग स्टार्ट कर दिया है, और ये कटिंग्स करते करते हमारा जो है, जब ये सारे दोस्तों हमारा जितने भी आउटलाइंस हैं ये सारे आउटलाइंस कटिंग कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हम इसको 12x8 इंच के पेपर पर पेस्ट कर देंगे। साथियों बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि आखिर हम कैसे ये पेंटिंग्स बनाते हैं। ये हमारा यहाँ तक कटिंग्स हो चुका है, ये हो चुका है, ये है साथियों, चलिए मेरे साथियों, तो देखते हैं
अब हमारा ये कटिंग जो करीब करीब होने वाला है, तो इसको हम दिखाने जा रहे हैं कि सारा कटिंग हो चुका है। अब इसका आउटलाइन बाकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। साथियों ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कटिंग हो रहा है, ये कटिंग हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे बच गया है, इसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये कटिंग हो गया हमारा, अब इसको भी हम कट करके यहाँ से इसको भी निकाल लेंगे। ये कट हो गया, अब मेरा ये बच गया है यहाँ से। साथियों ये हमारा ये कट हो गया, ये हो गया, ये हम अपने घर में सुरक्षित रहकर, स्वस्थ रहकर और रोजगार को अपना कर हम कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। साथियों हम देख लेंगे, आज ये हमारा पूरा कटिंग करीब करीब हो चुका है। साथियों अब कहीं बचा होगा तो उसको हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा गणेश जी निकल रहा है, ये आउट है दोस्तों, ये निकल गया बाहर हमारा। इसको हम सामने रख देंगे और ये भी सामने रखेंगे। अब देखते हैं इसको ये कैसा बना हमारा। साथियों अब ये हमारा गणेश जी देखो ये तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसमें पेस्ट लगा कर हम इस 12x8 इंच के पेपर पर इसको पेस्ट कर देंगे। साथियों अब इसको हम, साथियों ये हमारा चूहा है गणेश जी का, इसको भी हम अभी साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ एक पेज लेते हैं, ये पेज ले लिया साथियों 12x8 का। अब इसके ठीक हम बीच में इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा रहा साथियों, अब इसको हम फेविकॉल निकालेंगे। फेविकॉल निकाल लिए, आइए हम देखते हैं इसमें फेविकॉल लगाएंगे पूरे में, बढ़िया तरीके से फेविकॉल लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए हम फेविकॉल लगा रहे हैं सभी जगह अच्छे तरीके से, और ये हमारा अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा साथियों। और मैं राष्ट्र के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आपके पास जिस चीज़ का हुनर है, आपके पास हो सकता है पापड़ बनाने का हुनर, अगरबत्ती बनाने का हुनर, मोमबत्ती बनाने का हुनर, अच्छे क्राफ्ट बनाने का हुनर, डेयरी का हुनर, मुर्गी पालन का हुनर, मशरूम की खेती का हुनर हो सकता है, तो आप घर में रहकर कैसे हम एक समृद्ध युवा, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अपने फील्ड के मास्टर बनिए और ध्यान दीजिए। और मैं चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम अपने आप को आधुनिक स्थिति के अनुकूल हम बदल सकें और अपने अस्तित्व को बनाए रखें। साथियों अब अच्छे तरीके से इसमें फेविकॉल लग चुका है, अब देखिए हम इसको कैसे पेस्ट करेंगे। इसको बिल्कुल ठीक 12x8 इंच के पेपर के बीच में हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए साथियों अब ये हमारा गणेश जी ठीक इस पेपर के बीच में पेस्ट हो रहा है और ये पेस्ट हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसको दबा देंगे ताकि ये गणेश जी हमारा बिल्कुल ये सीधा बना है। ठीक है साथियों ये गणेश जी बन गया। अब इसमें बचा हुआ है हमारा चूहा, अब हम इसको चूहा को भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये है चूहा, चूहा को भी हम अपने जहाँ पे था उसी जगह इसको हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए चूहा भी इनका पेस्ट हो गया, ये हमारा गणेश जी तैयार हो गया साथियों।
तो हम अब इसी के साथ आज आप लोगों से हम विदा लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। आगे मैं बताना चाहूँगा कि दुर्गा माँ हम कैसे बनाते हैं। जस्ट अगले वीडियो में आप देखेंगे दुर्गा माँ की पेंटिंग। हम इस गोल्डन ग्रास, स्ट्रॉ ग्रास और ये वेटिवर ग्रास से हम कैसे पेंटिंग बनाते हैं। और ये बिल्कुल गोल्डन तरह का है, इसको फ्रेम करके अपने घर में लगा सकते हैं, घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं और इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए।